फिल्म की शुरुआत में यहाँ पर विली हेरोल्ड नाम के जर्मन सैनिक को दिखाया जाता है जो कि आर्मी को छोड़कर भाग रहा है। उसके पीछे कैप्टन जंकर और उसके सैनिक हैं, जो विली हेरोल्ड को मारना चाहते हैं, लेकिन विली हेरोल्ड भागते हुए एक पेड़ की बड़ी सी जड़ के नीचे छिप जाता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। कैप्टन जंकर और उसके सैनिकों के वहाँ से जाने के बाद विली हेरोल्ड भूखा प्यासा यहाँ से आगे बढ़ता है जहाँ उसे दूसरा जर्मन सैनिक भी मिलता है जो उसी तरह सेना को छोड़कर वहाँ पर छिपा हुआ था। दरअसल इस वक्त जर्मन सैनिकों को समझ में आ चुका है कि वह इस जंग में हार चुके हैं, इसलिए कई सैनिक सेना को छोड़ चुके होते हैं और उन्हीं सैनिकों में से यह दो भी होते हैं। तब रात को यह दोनों पास ही के एक घर के मुर्गी फार्म में से अंडे चुराने के लिए जाते हैं, पर इनकी आवाज़ सुनकर उस घर के सदस्य उठ जाते हैं और वह विली हेरोल्ड के दूसरे साथी को मार देते हैं। दरअसल इस समय खाने और पैसे की बहुत कमी हो चुकी है, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को लूटने में लगा हुआ है, इसीलिए इस समय चोरी करने वाले और लूटपाट करने वाले को सीधा जान से मार दिया जाता है। जर्मनी जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, आज उसी के ही लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं। विली हेरोल्ड जो अभी भी भूखा है और ठंड से बेहाल है, वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है। तभी उसे एक जीप दिखाई देती है और जब वह जीप के अंदर देखता है तो वहाँ पर एक सूटकेस पर आ होता है जिसके अंदर एक जर्मन कैप्टन की वर्दी होती है, साथ ही कुछ फल भी होते हैं। विली हेरोल्ड यहाँ पर उन फलों को खाता है और साथ ही जर्मन कैप्टन की वर्दी भी पहन लेता है। कैप्टन की वर्दी पहनने के बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि वह खुद ही एक जर्मन कैप्टन है। तभी वहाँ पर एक जर्मन सिपाही आता है और वह विली हेरोल्ड को उस वर्दी की वजह से कैप्टन समझ लेता है और वह सिपाही विली हेरोल्ड से पूछता है कि क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। और फिर वह सिपाही उस जीप को स्टार्ट कर देता है। विली हेरोल्ड दिखावा करते हुए उस जर्मन सैनिक को उसका आईडी कार्ड दिखाने को कहता है। विली हेरोल्ड ऐसे दिखावा कर रहा होता है जैसे कि वह सच में जर्मन कैप्टन है और उसके बाद यह दोनों यहाँ से जीप में बैठकर चले जाते हैं। उसके बाद यह दोनों रात को एक बार में पहुँचते हैं जहाँ पर विली हेरोल्ड को कैप्टन के ड्रेस में देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग शांत हो जाते हैं। तब विली हेरोल्ड वहाँ पर सबको हाथ हिलाकर हाय कहता है, लेकिन कोई भी विली हेरोल्ड को हाय का जवाब नहीं देता क्योंकि अब जर्मन के लोग जर्मन सेना से बहुत ज्यादा नफरत करने लगे हैं। जर्मन सेना की वजह से वहाँ के लोगों ने अपने लोगों को खोया है, इस लड़ाई में उनका घर परिवार सब कुछ लुट चुका है। और फिर विली हेरोल्ड वहाँ पर बड़े रोग के साथ बोलता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर अभी भी कायम है, जिसका जो भी नुकसान अभी तक हुआ है वह मुझे बताएं, उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी। यह बात सुनने के बाद वहाँ के लोग विली हेरोल्ड को अपने नुकसान का ब्योरा देना शुरू कर देते हैं और वहाँ बार का मालिक विली हेरोल्ड और उसके साथ आए सिपाही को खाना खिलाता है। और उसी रात को यहाँ पर एक चोर पकड़ा जाता है जो वहाँ पर खाना चुराने के लिए आया होता है, और चोर के पकड़े जाने के बाद विली हेरोल्ड उस चोर को गोली मार देता है। और सुबह होते ही विली हेरोल्ड और सैनिक दोनों वहाँ से चले जाते हैं और शहर में पहुंचकर एक घर में जाते हैं। उस घर में तीन और जर्मन सैनिक पहले से होते हैं जो अपने ग्रुप को छोड़ चुके होते हैं और वह घर में रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। तब विली हेरोल्ड यह सब देखने के बाद उनको यह सब करने के लिए मना करता है और उन्हें पूरा यकीन दिलाता है कि वह एक जर्मन कैप्टन है, वह एक खास मिशन पर निकला हुआ है और उसे इस खास मिशन के लिए और भी सैनिकों की जरूरत है। यह बात सुनकर वह तीनों सैनिक भी विली हेरोल्ड की टीम में शामिल हो जाते हैं। अब इसके साथ ही यह पांचों वहाँ से चल पड़ते हैं और जब यह पांचों रास्ते में आराम कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर जर्मन के दो और सैनिक आ जाते हैं जिनके पास बड़ी मशीन गन होती है। यह दोनों सिपाही भी विली हेरोल्ड को कैप्टन समझते हैं और विली हेरोल्ड की टीम में यह दोनों भी शामिल हो जाते हैं। जब यह वहाँ से चलने के लिए जीप स्टार्ट करने लगते हैं तो जीप में पेट्रोल खत्म हो चुका होता है, इसलिए सभी सैनिक जीप को आगे की तरफ से खींचने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ पर इनके पास मिलिट्री का ट्रक आ जाता है जो इन सब को घेर लेते हैं और गन पॉइंट पर कर लेते हैं और एक एक करके उन सबके आईडी कार्ड चेक करना शुरू कर देते हैं। और यह सब देखकर विली हेरोल्ड घबरा जाता है क्योंकि विली हेरोल्ड के पास आईडी कार्ड नहीं होता। पर जब विली हेरोल्ड से आईडी कार्ड मांगते हैं तो विली हेरोल्ड चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इस बेइज्जती को सहन नहीं कर सकता, मैं जर्मन का एक कैप्टन हूँ। और तभी दूसरी टुकड़ी का कैप्टन विली हेरोल्ड के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा आईडी कार्ड चेक करना चाहता हूँ। तब विली हेरोल्ड दूसरे कैप्टन को बोलता है कि मुझे एक खास मिशन पर हाई अथॉरिटी ने भेजा हुआ है। तभी दूसरा कैप्टन विली हेरोल्ड से फिर पूछता है कि कौन सी हाई अथॉरिटी। तभी विली हेरोल्ड जवाब देता है कि मुझे हिटलर ने खुद यहाँ खास मिशन पर भेजा है। उसके बाद भी दूसरा कैप्टन बोलता है कि तब भी तुम्हारे आईडी कार्ड को चेक करना चाहता हूँ। उसके बाद विली हेरोल्ड अपनी जेब से कुछ पेपर निकालता है जिन पेपरों पर उसका नाम नहीं है, पर जैसे ही विली हेरोल्ड कैप्टन को पेपर देने लगता है उससे
पहले विली हेरोल्ड बोलता है कि मैं भी एक कैप्टन हूँ, मैं भी तुम्हारी आईडी कार्ड को चेक करना चाहूँगा। इस बात को सुनते ही दूसरे कैप्टन को विश्वास हो जाता है कि विली हेरोल्ड एक सचमुच का कैप्टन है और वह एक खास मिशन पर है, इसलिए वह विली हेरोल्ड के आईडी कार्ड को देखने का इरादा छोड़ देता है, जिससे विली हेरोल्ड की मुसीबत टल जाती है। इसके बाद कैप्टन विली हेरोल्ड को जानकारी देता है कि कुछ लोग यहाँ पर सैनिकों की वर्दी पहनकर आम लोगों से लूटपाट करते हैं और उन्हें मार देते हैं। तब विली हेरोल्ड कैप्टन से कहता है कि अगर ऐसा है तो सबसे पहले उन लोगों को ही सबक सिखाना जरूरी है और उन सबको सबक सिखाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर कैप्टन की टीम के साथ विली हेरोल्ड भी अपनी टीम को लेकर छावनी तक पहुंच जाता है, जहां पर इनकी मुलाकात कैप्टन जुंकर से होती है। फिर कैप्टन जुंकर को बताया जाता है कि कैप्टन विली हेरोल्ड को खुद हिटलर ने एक खास मिशन के लिए भेजा है। जब कैप्टन जुंकर विली हेरोल्ड की तरफ देखता है तो जुंकर विली हेरोल्ड को बोलता है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है, पर इस समय मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरी याददाश्त काफी अच्छी खासी है, मुझे जल्दी याद आ जाएगा। इस समय कैप्टन जुंकर भूल चुका होता है कि विली हेरोल्ड वही सिपाही है जिसे वह कहानी की शुरुआत में सेना से गद्दारी करके भागने की वजह से मारना चाहता था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यह सब के सब एक एक प्रिजन कैंप में होते हैं, जहां पर सभी गार्ड का लीडर जिसका नाम कर्ल है वह इनके पास आता है और कर्ल को लगता है कि जुंकर यहां पर सेना के सभी कैदियों को कोर्ट मार्शल करने के लिए यहां पर आया है। लेकिन कैप्टन जुंकर उसे बताता है कि हिटलर ने खुद ही विली हेरोल्ड को यहां पर किसी खास मिशन पर भेजा है। कर्नल विली हेरोल्ड को बताता है कि सेना के सभी कैदियों से हम लोग परेशान हो चुके हैं, यह सब बार बार यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ से बाहर जाने के बाद जर्मन के लोगों पर अत्याचार करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं, फिर से इन्हें पकड़ पाना नामुमकिन हो जाता है। कोर्ट से ऑर्डर आने तक हम इन कैदी सैनिकों का कुछ भी नहीं कर सकते। इन कैदियों की वजह से आम जनता बहुत अधिक परेशान है और यह भी हो सकता है कि यह सब यहाँ से भागने के बाद दुश्मन सेना में शामिल हो जाएं, इसलिए हमें इन सब कैदियों को खत्म करना जरूरी है। विली हेरोल्ड बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर इससे पहले मुझे सभी कैदी सैनिकों से मिलना होगा। इसके बाद कैप्टन जुंकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कर्ल विली हेरोल्ड और उसके साथियों को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उन सब कैदियों को कैद किया गया होता है जो वहाँ से भाग गए थे। और फिर कर्ल कहता है कि मैं वार्डन को बुलाकर लाता हूँ। यह कहकर वह वार्डन को बुलाने चला जाता है और फिर जो विली हेरोल्ड के साथ सिपाही होता है वो वहाँ पर कैदियों को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है और उन सब से पैसे भी ले लेता है। अब जब कर्ल वापस विली हेरोल्ड के पास आता है तब विली हेरोल्ड कहता है कि हम इस सभी सैनिक को खत्म कर देंगे। तभी कर्ल अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि फिनस के पास गड्ढा खुदवाओ जहां पर हम इन कैदियों को मारकर दफना देंगे। और फिर वार्डन फिनस की तरफ देखता है जहां पर गड्ढे खुदवाया जा रहा होता है। वह इस बात से समझ जाता है कि यह तैयारी सैनिक कैदियों को मारने की चल रही है। इसके बाद है वह वार्डन विली हेरोल्ड के पास जाता है और कहता है कि मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है कि हमें इन सब कैदी सैनिकों को मारना है और न ही मुझे तुम्हारे यहां आने की कोई जानकारी मिली है। मैं तुम्हारे आईडी कार्ड को चेक करना चाहता हूं। तब विली हेरोल्ड वार्डन को बोलता है कि मुझे खुद हिटलर ने ही यहाँ पर भेजा है और इस वजह से मेरे पास पूरे अधिकार है कि मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। और यह बात सुनते के बाद वार्डन अपने सीनियर अफसर को फोन करता है और सीनियर ऑफिसर को बताता है कि विली हेरोल्ड यहाँ पर कैदियों को मारने की तैयारी कर रहा है। उसने पहले ही 5 कैदियों को मार दिया है। साथ में विली हेरोल्ड भी सीनियर ऑफिसर से बात करता है, जिन 5 सैनिकों को मैंने मारा वह सब के सब अपराधी थे। हिटलर ने मुझे खास अधिकार दिए हैं और मैं उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसके बाद सीनियर ऑफिसर वार्डन को कहता है कि तुम्हें कल तक इंतजार करना होगा, कल मैं खुद वहाँ पर आकर कैप्टन विली हेरोल्ड की जांच पड़ताल करूँगा। उसके बाद वार्डन विली हेरोल्ड से बोलता है कि कल तक तुम कोई भी कार्यवाही कैदियों पर नहीं कर सकते हो। यह बात सुनते ही विली हेरोल्ड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कर्ल, जिसे विली हेरोल्ड पर पूरा भरोसा है, वह विली हेरोल्ड के हर डिसीजन से बहुत खुश है। और फिर वह न्यायालय विभाग में एक सीनियर ऑफिसर को फोन करता है और वह विली हेरोल्ड के साथ मिलकर ऑफिसर को विश्वास दिलवाने में कामयाब हो जाता है कि विली हेरोल्ड को यहाँ पर हिटलर ने ही भेजा है और उसके पास खास अधिकार है। उसके बाद वही अधिकारी वार्डन को फोन करता है और उसे कहता है कि विली हेरोल्ड जो कर रहा है उसे करने दो, उसे खुद हिटलर ने ही यहाँ पर खास अधिकारों के साथ भेजा है। और फिर इसके बाद कमांडर और विली हेरोल्ड 30 कैदियों को उस गड्ढे में ले जाते हैं और उन 30 के 30 कैदियों को गोली मारकर मार दिया जाता है। और उसके बाद कैदियों को फिर से बाहर लाया जाता है और 30 कैदियों को गड्ढे में भेजा जाता है। और
और उन्हें भी गोली मारकर मार दिया जाता है। इसके बाद उस गड्ढे को बंद करने के लिए दूसरे कैदियों को कहा जाता है और वह गड्ढे को बंद करने से मना कर देते हैं। वह समझ जाते हैं कि यह सब जो हो रहा है वह सब गलत हो रहा है। और दूसरी तरफ वार्डन को दिखाया जाता है जो यह सब देखकर बहुत परेशान हो रहा होता है। अभी भी उस वार्डन को विली हेरोल्ड पर शक है क्योंकि उसने विली हेरोल्ड की पेंट को यान से देखता है जो कि विली हेरोल्ड के साइज की नहीं होती। वार्डन को पूरा शक होता है कि विली हेरोल्ड यह जो कुछ कर रहा है वह बिल्कुल भी सही नहीं है, यह सब इल्लीगल है। इसके बाद वह वार्डन अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करके यहाँ के बारे में सारी बात विस्तार में बताता है। तो उसका ऑफिसर वार्डन से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी लग रहा है वह सब मुझे लिखित में दो। उसके बाद वह वार्डन अपने साथी से कहता है कि मुझे इसी वक्त शहर जाना होगा, वैसे भी यहाँ पर मेरे हाथ में कोई भी अधिकार नहीं है। यह कहकर वार्डन शहर की तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ विली हेरोल्ड को दिखाया जाता है जो कि आज खुश है। इसलिए विली हेरोल्ड वहां पर सबको पार्टी देता है। पार्टी का सब बहुत आनंद ले रहे होते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद विली हेरोल्ड बाहर आता है, तब उसका ध्यान कैदियों की तरफ जाता है जहां अभी भी कुछ कैदी बचे हुए हैं जिन्हें अभी भी मारना बाकी है। विली हेरोल्ड कैदियों के हाथ बांध देता है, फिर उन्हें वहां से भागने के लिए कहता है। और जब कैदी वहां से भागना शुरू करते हैं तो विली हेरोल्ड उनके पीछे से गोली चलाना शुरू कर देता है और उन सबको मार देता है क्योंकि विली हेरोल्ड ने आज 90 सैनिकों को मारा होता है। यह सैनिक जर्मन के सैनिक थे जिन्होंने सेना को छोड़ दिया होता है और यहां से भागकर वह लोगों को तंग करते थे और उनको लूटते थे। और तभी आज रात को एलाइट की सेना इसी कैंप पर हवाई हमला कर देती है जिसकी वजह से लगभग सभी लोग मारे जाते हैं। पर इस हमले से विली हेरोल्ड और उसके कुछ साथी बच जाते हैं और उसके बाद यह सब लोग शहर आ जाते हैं जहां पर आकर विली हेरोल्ड और उसके सैनिक शहर में लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। और वहीं पास में एक होटल होता है जहां पर यह सब रुकते हैं। वहीं पर विली हेरोल्ड का सैनिक होटल में एक लड़की के साथ बदतमीजी करता है जिसे विली हेरोल्ड मौत की सजा सुना देता है। यानी कि विली हेरोल्ड अपने आप को एक पावरफुल कैप्टन समझने लग गया था जो खुद ही कोर्ट की तरह फैसले लेने लग गया था। यहीं पर अगली रात को होटल में आर्मी पुलिस छापा मारती है और छापे में विली हेरोल्ड और उसके सभी साथियों को पकड़ लेती है। और उसके बाद विली हेरोल्ड के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन इस मुकदमे में जज विली हेरोल्ड को कोई सजा नहीं सुनाता। जज कहता है कि विली हेरोल्ड ने जो कुछ भी किया वह जर्मनी के लोगों के लिए किया, लेकिन विली हेरोल्ड को इस युद्ध में आगे फिर से लड़ने के लिए जाना होगा। यानी कि बर्लिन जहां पर हिटलर है और वहां पर इलाइट की सेना लगातार बढ़ रही है। पर इससे पहले कि विली हेरोल्ड को बर्लिन भेजा जाता, विली हेरोल्ड उस जगह से भागने में कामयाब हो जाता है। और फिर आखिरी बार हमें विली हेरोल्ड को जंगल की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 23 मई 1945 को ब्रेड चुराते हुए पकड़ा गया। वह अपना पेट भरने के लिए चोरी करने लगा था। और फिर 14 नवंबर 1946 को विली हेरोल्ड और उसके 6 साथियों को फांसी की सजा दे दी गई। विली हेरोल्ड की उम्र इस समय सिर्फ 21 साल की थी। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी एक सच्ची घटना पर आधारित द कैप्टन का एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही और फिल्मों का एक्सप्लेनेशन जानने के लिए मूवी मैक्स को सब्सक्राइब कीजिए।